गोरखपुर सपा बसपा से बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी सदल प्रसाद ने बुधवार को न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त रिटर्निंग अफसर जीडीए उपाध्यक्ष अमित बंसल सहायक रिटर्निंग अफसर एसडीएम चौरीचौरा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। सदल प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पहुंच रहे हैं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए गठबंधन के बांसगांव क्षेत्र के प्रत्याशी बसपा के सदल प्रसाद ने कहा, उधर भैया उधर उधर पकड़िए भैया, उस तरफ हो जाइएगा। सब खराब हो गया, एक मिनट पकड़ लीजिएगा, प्लीज दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। कैसे लड़ेंगे चुनाव? जैसे लड़ा जाता है वैसे लड़ेंगे चुनाव। आपका मुकाबला बीजेपी के लगातार दो बार बड़ी सांसद से है, तो कैसे किस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं कि उनको मात देने क्या है? इस बार कोई मुकाबला नहीं है, कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी करनी ही जो है उनको एकदम बिल्कुल पीछे ले जा रही है। 10 साल सांसद रहने के बावजूद भी जो है वो क्षेत्र की कसौटी पे कहीं भी खरा नहीं उतरे हैं। उनकी स्थिति ये है, किसी गांव में वो प्रवेश तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या योजना रहेगी? किन मुद्दों के लिए जनसंघ जा रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक के राजनीतिक जीवन में। मेरी योजना यही रही है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद जिस जनप्रतिनिधि का निगाह कभी भी न गया हो विकास के नाम पर, कामयाबी मिलने के बाद सबसे पहले प्रियोरिटी पे वहाँ पे विकास की योजना को ले जाना है।